Hi everybody, once again, chapter 8, healthy plate. Okay, so your page is titled as healthy plate. Healthy plate का मतलब हमारी प्लेट में इतना सारा नहीं होना चाहिए, पर इन सब में से कुछ होना चाहिए. हमारी प्लेट में वो खाना होना चाहिए जिससे हमको प्रोटीन भी मिले, मिनरल्स भी मिले, विटामिन्स भी मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, राइट? ना तो हमको सब चीज़ें बैलेंस्ड खानी पड़ती है ना. अब हमारी प्लेट में क्या क्या होना चाहिए, लेट्स चेक. हमको यहाँ पे लेबल करना है. ये प्लेट में कुछ हिस्से बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5. हमको ये बताना है कि ये कौन सा ग्रुप ऑफ फूड्स है, क्या है ये. अब आपको ये देख के समझ में आ रहा है ना ये सब क्या है. ये फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं. नेम द डिफरेंट फूड ग्रुप्स यूजिंग द हिंट बॉक्स. ओके, अगर आप पहला वाला देखोगे तो व्हाट इज दिस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आपका आंसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रुप. आप नंबर 1 ऊपर आंसर में लिख सकते हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रुप. ये तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है. अब नंबर 2 देखो. नंबर 2 में ये आपको फिश दिख रही है, कुछ एग्स दिख रहे हैं. तो ये एरिया मीट का है. अब हम लोग तो मीट नहीं खाते हैं, बट जो लोग मीट खाते हैं वो खाते हैं. तो दिस इज अ मीट ग्रुप. हम ज़रूरी नहीं है कि मीट अपने खाने में ऐड ही करें, मीट के बिना भी हमें एनर्जी मिल जाती है. बट दिस इज़ एंटायर ग्रुप. जो जो ये सारा दिख रहा है ना, ये सब मीट से रिलेटेड है. तो यहाँ पे जो आंसर है वो लिखा हुआ है मीट ग्रुप. आप इसको नंबर 2 पे लेबल कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो मीट ग्रुप. ओके, नंबर 3 ये देखो, ये क्या है. इसमें ऑयल दिख रहा है, घी दिख रहा है ना, शुगर दिख रहा है. तो ये फैट्स ऑयल्स एंड शुगर ग्रुप है. क्या है, फैट ऑयल एंड शुगर ग्रुप. ये नंबर 3, ये तो ज़रूरी होता है. हम सब्जी ऑयल में बनाते हैं, घी में बनाते हैं, शुगर भी हमको चाहिए सारा दिन थोड़ी सी. पर बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ हम नहीं खानी चाहिए, लिमिटेड खानी चाहिए. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम बहुत खा सकते हैं, बट ये शुगर और ऑयल घी ये हमको कम खाना चाहिए. ओके, सो नंबर 3 हो गया. नंबर 4, ये तो बड़ा इजी है. आपको मिल्क दिख रहा है, बटर दिख रहा है ना, और भी चीज़ दिख रहे हैं. सो दिस इज डेयरी प्रोडक्ट. ये क्या है, जो सामान हम डेयरी से लाते हैं. सो दिस इज डेयरी ग्रुप. जो मिल्क से बनती हैं चीज़ें, दिस इज नंबर 4, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं. नंबर 5, ये देखो सारा, ये सब जो है, कोई आटा है, कोई ग्रेन है, पास्ता भी लिखा हुआ है यहाँ. ये सब किससे बनते हैं, ये किससे बनेंगे, ग्रेन ग्रुप. ग्रेन मतलब कोई ना कोई धान, चावल हुआ, सूजी हुआ, मैदा हुआ, आटा हुआ, इन सब से बनती है ये चीज़ें. ब्रेड्स हैं ना, मैदा से बनती है. जैसे पास्ता है, ये भी सूजी से बनता है. सो दिस इज़ अ ग्रेन ग्रुप. सो हम इसको यहाँ पे नंबर 5 पे लिख सकते हैं, ग्रेन ग्रुप. यहाँ पर आप लिख देंगे ग्रेन ग्रुप, और मैं यहाँ लेबल कर देती हूँ आपके लिए नंबर 5, ग्रेन ग्रुप. ओके, सो आपको अच्छे से समझ में आया. एक बार और देखें, ये फर्स्ट वाला है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सेकंड ये मीट, थर्ड ये फैट ऑयल एंड शुगर है, फोर्थ ये डेयरी ग्रुप है, और फोर्थ ये ग्रेन ग्रुप है, फिफ्थ ये ग्रेन ग्रुप है. आपको ये लेबल करना है. ओके, नाउ कम डाउन टू दिस फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पे कुछ हिंट्स भी लिखें. फर्स्ट वन, वी शुड ड्रिंक - ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. हमको कितने ग्लास पानी पीना चाहिए, मिनिमम कम से कम 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. हमारी बॉडी के पूरे डाइजेशन के लिए, स्किन के लिए, हमारे सब चीज़ के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है. जैसे गाड़ी चलाते समय फ्यूल चाहिए होता है, तभी गाड़ी चलती है. तो हमारी जो बॉडी है उसमें हम खाना तो खा लेते हैं, लेकिन खाने की ग्राइंडिंग कैसे होगी, आपको पानी डालना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा. जैसे आप मिक्सी में कोई हार्ड चीज़ डालते हैं तो वो ग्राइंड नहीं होती है, फिर मम्मी उसमें थोड़ा पानी ऐड करती है तब वो ग्राइंड बड़ा इजीली हो जाता है. तो बॉडी का भी यही सिस्टम है बेटा. जो जो खाना हम खाते हैं उस खाने को थोड़ा पानी चाहिए पचाने के लिए. सो आप 8 से ज़्यादा पीते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, बट कोशिश करके 8 to 10 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे. वी शुड ईट लेस, क्या कम खाना चाहिए, एंड मोर ऑफ - अब इसमें से देखो क्या आंसर हो सकता है. वी शुड ईट लेस ऑफ ऑयल. ऑयल अच्छा नहीं होता है बॉडी के लिए. वो बेटा चाहे दुनिया के बेस्ट ऑयल भी क्यों ना हम खाएं,
ऑयल हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है? और हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाना चाहिए, मोर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमको जितने ज़्यादा खा सकते हैं हम फ्रूट्स खाएं और वेजिटेबल्स। हमको समोसा, कचौरी, पा ये सब चीज़ें जो ऑयल में बनते हैं ना, बहुत कम और कभी कभी वीक में एक आध बार खाने चाहिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क हमको लेना चाहिए, अच्छा मिल्क आए तो। मेक आर डैश एंड डैश स्ट्रॉन्ग, मिल्क से क्या स्ट्रॉन्ग होता है, बोन्स एंड टीथ दोनों। हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है बोन्स, कैल्शियम होता है मिल्क में, बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। ओके, हमको थोड़ा मिल्क रोज लेना चाहिए। सीरियल्स एंड पल्सेस, जो धान पल्सेस अनाज हम खाते हैं, गिव अस डैश एंड मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। क्या मिलता है हमको ये सब खाने से, एनर्जी। पल्सेस और सीरियल खाने से हमको एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है। आप यहाँ आंसर लिख देंगे एनर्जी। सो बेटा ट्राई टू कंप्लीट दिस, ऑन टॉप ऑल्सो यू कंप्लीट एंड डाउन बिलो, एंड शो इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, टिल देन बाय बाय, सी यू।